शांति। इस सीजन की पहली अगतवाणी आई है 25/10/2009। सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार करो। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसा एक ही समय में सर्व खजाना दिया है। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। खजाने तो बहुत हैं, सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। बाप आते हैं तो कोई स्थूल धन संपत्ति खजाना नहीं लाते, ज्ञान धन लाते हैं, जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए। इतने माला माल हो गए कि महादानी बनौरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से जो भी भिन्न भिन्न बंधन में आत्माएं फंस गई हैं, उन सब बंधनों से मुक्त हो गए। जो बंधन युक्त थे वो बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याग का खजाना, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त की हैं। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्वगुणों की अनुभूति अर्थात सब प्रकार की अनुभूतियों का खजाना मिला। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना भी प्राप्त किया। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में सर्व ब्रह्म संबंध से अपार खुशी का खजाना भी अनुभव किया। लेकिन इन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है। लेकिन इस छोटे समय से भी प्राप्तियां बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा संगम युग की शेष प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त हो जाता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सब प्रकार की प्राप्तियां हैं, और 21 जन्मों की तो फुल गारंटी है। आधा नहीं, पौना नहीं, एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की फुल प्राप्ति।
तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। एक सेकंड में भी अनेक जन्मों की खुशी का अनुभव कर सकते हो, शूटिंग कर सकते हो। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न है ना? इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिलाए रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि एक दो मिनट अगर और कुछ सोच लिया तो ये मात्र दो मिनट ही तो है, लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो दो मिनट नहीं है ना, दो मास भी नहीं, दो वर्ष के समान है। इतना महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरी हक की, सब प्राप्ति इस छोटे से युग में है। और कोई भी युग में ये प्राप्तियां नहीं है, वहां राज्य भाग होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगी, लेकिन परमात्म मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का और सर्व ब्राह्मण परिवार का, आदि मध्यंत की नॉलेज का, वो सब प्रकार की प्राप्तियां अभी संगम पर ही मिलती हैं और हर कल्प मिलती रहेंगी। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने कितने जमा किए हैं, खजाने तो मिले लेकिन हरेक ने इतना जमा किया है, इतना खजाने का खाता बढ़ाया है, जो बढ़ाया है वो हरेक के चेहरे से चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की यही दिल की आस है कि खजाने तो मिले, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारी हैं, परमात्मा प्यारी हैं, क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार कराएगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी से अपना प्रत्यक्ष करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा तो भी दूर से वो पर्सनालिटी चमक में अनुभव हुई, ऐसे अभी विशेष डबल विदेशी
बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं। तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख करके खुश हैं, पुरुषार्थ वृद्धि का आशा कर रहे हैं। पच्चीस अक्टूबर 2009 की वाणी का दूसरा पेज। पालना भी सभी को अच्छी मिल रही है, निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना मिल रही है और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुवन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुवन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है और एक ही जिम्मेवारी स्वपरिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभवों का अच्छा चांस मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर भी मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर के करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का इतना प्यार है, जो पहला चांस आपको ही देते हैं। तो पहले चांस का रिजल्ट पहला नंबर लेना है। अच्छा लगता है बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल करके उनकी भी तकदीर की तस्वीर बनाई दी है। इसीलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य सिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह वाह बच्चा वाह ये मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, वैसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक होगा, अचानक ही क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का बाप ने प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया तो करना ही है, देख लेंगे कर लेंगे, ये गेंगे का शब्द अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा, याद दिलाने का लक्ष्य रखा कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी करने वाले हैं, जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वो हाथ उठाओ।
करना ही है, करेंगे नहीं करना ही है, याद रखना। अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना सब कुछ कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती है। धर्मराजपुरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, दे दिया ना, और परिवर्तन भी किया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष है, देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने सूर्य समय में अपने को जो बाप की आस है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। इतनी हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है। अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी भी देख रहे हैं, लेकिन जाते जाते प्लान में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते ही रहना। दृढ़ संकल्प की चाबी जो बाप दादा ने दी है उसको सदा ही कायम रखना, करना ही है, और अभी अभी करना है, कर लेंगे गेंगे नहीं, वो समय अभी आ गया, हो जाएगा और होना ही है, लेकिन हो जाएगा भी नहीं होना ही है। डबल पुरुषार्थी का टाइटल बाप दादा ने जो दिया है उसको सदा कायम रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया उसमें भारत ने भी कम नहीं किया है, और विदेश ने भी कम नहीं किया है। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया है, और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुणा प्रैक्टिकल लाने में मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है, वो तो अभी अभी सुनाया कि चेहरे से चमक दिखाई दे, जो भी देखे उनके लिए प्रत्यक्षता का निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, सदा मुस्कराता हुआ चेहरा दिखाई दे। 25 अक्टूबर 2009 की वाणी का तीसरा पेज। कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं, बाप दादा ने सुनाया था कि अभी दो शब्द याद करो, माया को इशारा करो, गेट आउट हो जाओ,
और सदैव अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अभी तो सभी को घर जाना है, घर के नजारे मन में और बुद्धि में दिखाई दे। तो ये ऑटोमेटिकली घर आया कि आया? आपका एक गीत है, अब घर जाना है। तो ये लहर हर एक, चाहे भारत चाहे विदेश, अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। वेद का वैराग्य, क्योंकि गेस्ट हाउस में कोई की दिल नहीं लगती है, जाना ही है। तो ये जाना जाना याद रहता है। तो बेहद का वैराग्य, ये कोई भी प्रकार का मन के संकल्पों का, आपस में संगठन के माया के विघ्नों का, ये एकदम समाप्त कर देना। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन एक एक पेपर अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट है, ऐसा लगेगा। तो गिफ्ट और लिफ्ट, ऐसे समझो। अभी लक्ष्य रखो, वेद के वैरागी और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों में उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। अभी उड़ने उड़ाने का समय है, अपने पंखों को सदा चेक करो। ये ज्ञान योग के पंख कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? तो बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देख करके खुश होते हैं। अभी और क्या देखना चाहते हैं? हर एक बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण सर्व खजानों से संपन्न, हर श्रीमत जो मिलती रहती है उसमें संपूर्ण बना रहे, पसंद है? अगर पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये तालियां हर दिन याद रखना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं मन में बजाना। ये आपका होमवर्क रहा। उसने कहा 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए हैं, पांचों खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया गया, अमेरिका ग्रुप। अमेरिका के साथ कनाडा और कैरिबियन के भाई बहन भी हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड और फिजी ग्रुप। तीसरा है यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट। चौथा है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस। और पांचवा रशिया, CIS, बाल्टिक रीजन।
सभी तरफ आगे बढ़ने का संकल्प और आपस में रूहान भी की। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ, जो भी देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वो तो देखेंगे उसी समय। लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर वन एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर हैं, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश है, वो सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाए कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे और साथ साथ स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो ग्रुप नंबर वन होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो एक नहीं तो तीन को भी देंगे। एक दो तीन, वैसे तो एक को दिया जाता है लेकिन डबल पुरुषार्थी है तो तीन को भी चांस देंगे। पसंद है? हाँ, हाथ हिलाओ। कितना टाइम चाहिए? ये टीचर्स सुनावे कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में, बताओ। कोई ने कहा फरवरी तक। सभी देशों की टीचर साथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे ना, फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा, इसकी भी ताली बजाओ। अच्छा, भारत का भी टर्न आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। बात तीव्र तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, अभी क्या करना है? चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले बाप दादा के दिलचस्प नसीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के शिकील थे इसने ही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पच्चीस 10 2009 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। दादियों से बाप के साथ आप सब का भी सहयोग रहा है ना। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है और आगे भी चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? यज्ञ।
यज्ञ किसे कहा जाता है? यज्ञ ज्ञान यज्ञ को भी कहा जाता है। तन मन धन समय संपर्क संबंध की आहुति देने को भी यज्ञ कहा जाता है। तो बाप और बच्चों दोनों के सहयोग से यज्ञ चला है। रूहानी बाप निमित्त नहीं है, निमित्त तो आप सब बच्चे हो। तो इसके लिए साकार में एक ने कहा और दूसरे ने किया। एक दो के सहयोगी बन करके उड़ रहे हो और बाबा उड़ते हुए देख करके खुश होते हैं। दादी जानकी ने गुलजार दादी की कमाल बताई। वो तो साथ में है ही, बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वो सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं। एक दिखाई दे, इसके लिए एक ने कहा और दूसरे ने राय दी और एक हो गए, तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही यज्ञ चल रहा है। चाहे बाहर से देखने से दिखाई न दे, लेकिन संकल्प से विचारों में एक रह करके और भी आगे बढ़ना है और बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। अच्छा, परदादी से बहुत अच्छा पाठ बजाए रही हो। शकल से बीमार नहीं लगती हो, बाप दादा बच्ची को देख करके खुश होते हैं। तभी तो शकल ऐसी चमकती हुई है। तो शकल से बीमार नहीं लगती हो, रमेश भाई से उषा की तबीयत ठीक है, उसको याद देना। ब्रजमोहन भाई से, इंडिया में किया उसका भी प्रभाव अच्छा पड़ा, सभी को संदेश मिला, इंटरेस्ट बढ़ा, अच्छा किया। मिलकर के एक दो में राय लेकर के अच्छा किया और अभी भी कई कर रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो मिल जाएगा,
टीवी द्वारा भी अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की, डबल विदेशी मुख्य बहनों से, यहाँ सबका इकट्ठा होना अच्छा लगता है ना, फ्री माइंड हो, वहाँ तो सेवा का, स्टूडेंट का ख्याल रहता है, यहाँ तो एक ही काम है, आपस में मिलकर करते हो, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, एक साथ बन जाता है ना, तो एक ही जैसा चलता है, बाप दादा को बहुत पसंद है। जयंती बहन से ठीक है, तबीयत ठीक हो गई, सभी की तबीयत ठीक है। मोहिनी बहन से इसका भी हिसाब किताब पूरा हुआ और ये हिसाब किताब तो सभी को होता ही है, अभी हरेक को अपनी तबीयत की नब्ज का पता पड़ गया है, ये क्यों होता है और क्या करना है, नॉलेज फुल हो गए हो। इसीलिए शरीर पुराना है लेकिन आत्मा हिम्मत वाली है, सेवा के लिए एवर रेडी। अभी तो समय अनुसार आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा, इनका बहुत निमंत्रण मिलते रहते हैं। हाँ अभी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है, अभी फिर दूसरे टर्न में और भी सुनाएंगे कि अभी सेवा और सेवा का क्या रूप होना चाहिए। कोई ने कहा अंकल आंटी ने आपको बहुत बहुत याद दिए है, उनको कहना आपको लाख बार पदम पदम याद प्यार। कोई ने कहा बाबा आप हमारी दुनिया में देखने तो आएंगे। हाँ ऊपर बैठ करके भी देखेंगे, निजार भाई से उन्होंने कहा हैदराबाद में सर्वे इंडिया का प्रोग्राम 7-8 नवंबर को है, ये भी एक नए प्रकार का ट्रायल हो जाएगा, अच्छा है प्रोग्राम, अच्छा है, पहले एक सैंपल हो जाएगा। उसने कहा सारी इंडिया में 32 शहरों में करने का प्लान बनाया है, ये सब होते रहेंगे, अभी तो पहला हुआ, अच्छा हो जाएगा। शांता मणि दादी से शेष सैया पर सोई हुए हो,
जैसे विष्णु को दिखाते हैं ना, शेष सैया पर आराम से लेटा हुआ, ऐसे आप भी लेटी हुई हो, बहुत सुंदर कमाई हो रही है। अपनी सूक्ष्म मनसा सेवा करती रहती हो, करती हो, कार्तिकेयन भाई और अन्य मेहमानों से, आपकी ड्रामा की पॉइंट तो पक्की है ना, जो कुछ होता है अच्छा होता है। अपने लिए उस आत्मा का कल्याण और रिजल्ट बहुत अच्छी है, अच्छे में अच्छी है, आप फिक्र नहीं करो, बेफिक्र रहो। बाप देख रहा है सब अच्छा है। देखो सेवा का प्रत्यक्ष रूप तो दिखाया, बहुत अच्छा किया, हिम्मत दिखाई ना, हिम्मत का फल बहुत अच्छा होता है। बाप दादा के रजिस्टर में हिम्मतवान बनने में आपका नाम रजिस्टर्ड है। ओम शांति।